हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं बताऊंगी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन। गाइस, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, आपको इतना सुंदर स्वेटर डिज़ाइन ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करोगे, बहुत ही सुंदर लगेगी। और 6 रो की डिज़ाइन है, 6 सिलाई की। 6 सिलाई हम एक कलर से बनाएंगे, 6 सिलाई हम एक कलर से बनाएंगे। 3+1 4 के मल्टीपल में ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी गाइज, 2+1 3 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनेगी। और सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिए। अब बॉर्डर बनाने के बाद उल्टे की तरफ, रॉन्ग साइड, आपको कलर लगा लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कलर लगा लिया है। तो चलिए डिज़ाइन को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहला वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरे दो चैनल और भी है, माया मिश्रा ब्लॉग जिसमें अपनी डेली रूटीन डालते हैं, एंड माया विकास मिश्रा जिसपे हम हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप सिखाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे इस चैनल पर आपको कितना प्यार दे रहे हैं, वैसे उस दोनों चैनल पर भी ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिएगा। तो देखिए, रॉन्ग साइड उल्टे की तरफ कलर लगा लिया हमने, एंड सारे फंदे को हम ऐसे पहले उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो गाय जी, हमारी पैटर्न की ही रो है, हमें जब भी बनाना होगा हमें ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा। उल्टे की तरफ आपको कलर लगाना पड़ेगा एंड सारे फंदे को आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना पड़ेगा। यह है हमारी पहली सिलाई। जी, तो हो गई है कंप्लीट फर्स्ट रो। अब आइए सेकेंड रो, दूसरी सिलाई। ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा सीधा, धागा आगे। ये दूसरी सिलाई, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी प्रकार से ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही बस दो फंदा उल्टा बनाइए, एक फंदा सीधा, इसी प्रकार से सेकेंड रो कंप्लीट। ये लास्ट में दो फंदे बचे, फिर से हो गया सेकंड रो कंप्लीट। अब देखिए थर्ड रो, तीसरी सिलाई जो जैसे दिख रहा है, मतलब जैसे उधर से हमने बनाया दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इधर से दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यह है थर्ड रो। तीसरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। हो गई गाय, तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए फोर्थ रो, चौथी सिलाई आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदा उल्टा। अब ध्यान दीजिएगा गाय, आ गया तीसरा फंदा जो सीधा बुना है। इस फंदे को आपको ध्यान से देखनी है, धागा पीछे करेंगे, एक दो, ये दूसरे वाले फंदे से लूफ निकालनी है। एक लूफ निकाला, एक लपेटा, फिर दूसरे वाले फंदे से लूफ निकालेंगे, फिर से लपेटेंगे, फिर तीसरे फंदे में बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक बार लपेटेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। ध्यान दीजिएगा गाइस, पहले दूसरे फंदे से लूफ निकाला, लपेटा, फिर से लूफ निकाला, लपेटा, फिर फंदे में बुना, धागा आगे, एक बार लपेटेंगे, फिर दो फंदा उल्टा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, दूसरे फंदे से लूफ निकाला, लपेटा, फिर पहले वाले फंदे से निकाला, फिर से लपेटा, फिर फंदे में बुना, धागा आगे, एक लपेटा, फिर दो फंदा उल्टा। तो इसी प्रकार से ये चौथी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए चौथी सिलाई तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए पांचवी सिलाई भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया एंड दूसरे फंदे को सीधा बुना, जैसे हम बनाते हैं। अब देखिए धागा आगे, अब इस फंदे को जो लपेटा वाला फंदा उसे स्लिप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसे सिलाई में लेंगे, फिर से एक स्लिप किया, एक सिलाई में,
फिर से एक स्लिप किया, एक सिलाई में, अब धागा पीछे और दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे। इसे हम देखिए पहले उतारेंगे, इसे सिलाई में लेंगे, फिर से उतारेंगे, इसे सिलाई में लेंगे, फिर से उतारेंगे, इसे सिलाई में। बहुत ईजी है गाइस, जब आप बनाने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप सीधा बुनोगे, जैसे ही करोगे वैसे ही आपको लपेटा वाला फंदा मिलेगा, तो उसे स्लिप करना है, इसे सिलाई में, इसे स्लिप, इसे सिलाई में, इसे स्लिप, इसे सिलाई में, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, ये पांचवी सिलाई इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाए। देखिए बनने के बाद अच्छा तो बहुत लगेगा, इजी भी बहुत है, बहुत ही आसान है गाइस, वो आप लोगों ने देखा ही होगा पहले ही। ये हो गया जे, पांचवी सिलाई कंप्लीट। अब देखिए सिक्स रो, छठी सिलाई और पैटर्न की लास्ट सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरा फंदा, धागा पीछे, ओ दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यही तीन फंदों को आपको पीछे से सीधा बुनना है, एक करना है, धागा आगे, एक फंदा, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन तीन फंदों को बैक लूप से एक साथ, फिर से धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे को एक साथ, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो तीनों फंदों को एक साथ, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीनों फंदों को एक साथ, धागा आगे, दो फंदा उल्टा। ये हो गई पैटर्न की सिक्स, छठी सिलाई और पैटर्न की लास्ट सिलाई। इसके बाद छह सिलाई यही बार बार रिपीट। अब फिर से आ गए आप उल्टे की तरफ, उल्टे की तरफ सारे फंदे को आपको उल्टा उल्टा, जैसे मैंने पहली सिलाई से आपको बताया है, हो गई। अब फिर से आपको देखिए, अब दूसरे कलर से स्टार्ट करेंगे, फिर से वही दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा, मतलब पहली सिलाई से छठी सिलाई तक जैसे मैंने आपको बताया है। जब आप ऐसे बार बार रिपीट करोगे तो ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है। आप इसे डबल कलर में मैंने बनाया, आप इसे मल्टी कलर पे बनाओ, जितने लाइन है सारे डिजाइन छह छह सिलाई अलग अलग कलर से बनाओ, और भी सुंदर लगेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा, बचे हुए ऊन भी आपके यूज हो जाएंगे, डिजाइन भी बिल्कुल यूनिक लगेगा। तो हो गई गाइस, आप इस डिजाइन को ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये डिजाइन कैसी लगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।